हेलो फ्रेंड्स, मुँ अभिषेक आपको सेंट्रल लैंड ओडिशा गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में स्वागत जनाऊँ। फ्रेंड्स देखते आप डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी तरफ एक बहुत बड़ा निजुक्ति सुजोग आई जोधर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती दशम और प्लस टू। आप दशम और प्लस टू पास करते हैं आप डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी में आवेदन करेंगे। एथेर आप कौन से एग्जामिनेशन हम ना आप मार्क बेसिस सिलेक्शन रही आपखे टाइम बहुत कम अच्छे आपड़ी एप एलिजिबल हो शीघ्र आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स आपड़ी ये सब जब अपडेट और एजुकेशन टाइप भिडियो डेली देखा चाहूँ तेल आम चैनल को बर्तमान मतलब सब्सक्राइब करनी। फ्रेंड्स एवं आम चलता आपको देखना जब सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही है और एज लिमिट कौन रही है चलता यह विषय डिटेल्स में चेक कर। फ्रेंड्स देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम कथा जब आम देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम रही है डीआरटीए बा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी तरफ आप वैकेंसी आसा कि बहुत सारा पोस्ट मैं आप वैकेंसी रही पोस्ट जब देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी रही है 91 गोटे पोस्ट वैकेंसी रही है। यह बोथ मेल और फीमेल उभय पुरुष और महिला मैंने आवेदन करेंगे। जेंडर टी आप रोज बोथ मेल और फीमेल। फ्रेंड्स ये आप ऑर्गेनाइजेशन नेम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और जेंडर विषय में आम चलता देखने जॉब पे एज लिमिट कौन रही है सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही है चलता देखने। फ्रेंड्स देखो एज लिमिट कथा जब कथा आप मिनिमम एज लिमिट रही 18 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट रही 40 वर्ष। आपको जब मिनिमम 18 40 वर्ष बयस मध्य रही जब गुड़िया सब आवेदन करने एलिजिबल हो पारे। फ्रेंड्स ये आप एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस कथा जब कथा आप सिलेक्शन प्रोसेस रोचे मार्क बेसी मेरिट बेसी मैंने आपर कौन से एग्जामिनेशन हम ना कि कौन से इंटरव्यू करना आप केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क को देखिए आप सिलेक्शन हो। फ्रेंड्स ये आप एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस विषय में आम चलता देखने जब आप्लाय मोड टी कौन रोचे आप्लाय मोड कथा जब देखिए आप्लाय मोड रोचे अफलाइन आपलाइन मध्यम आवेदन करेंगे थ्रो स्पीड पोस्ट रिस्टर पोस्ट आप स्पीड पोस्ट कि रिजिस्टर पोस्ट साइज आप आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स देखो आप्लिकेसन फी कथा जब कथ आप्लिकेसन फी रही नो फीस फर अल समस्त कैटेगोरी कैंडिडेट मैं कौन से आप्लिकेसन फी दे पड़ा ना बेसिकली जनरल कैटेगोरी कैंडिडेट मैंने यहाँ मगणार आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स आप एलिजिबल है आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब देखिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही आप 10th और प्लस टू जब पास करेंगे आप कंप्यूटर जब नलेज थी तेल जाए आप जब टू आवेदन करने एलिजिबल हो पारे बहुत भल जब टी रही है आपड़ी एलिजिबल होती आवेदन करेंगे। सालरी कथा जब देखिए आप पर मंथ सालरी रोक 7000 टाँगा जीतने ओडिशा गवर्नमेंट जब रोचे कंट्राक्चुअल बेसिस रोचे आप सालरी आगे इनक्रीज कर चलो कि प्रथम आपलरी 7000 टाँग मिले मुझे आप्लिकेशन फर्म टू सेंड करी से कौन कौन सब डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट जेरॉक्स सेंड करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट कंप्यूटर सर्टिफिकेट टूरिस्ट एंड पासपोर्ट साइज फोटो वन सेल्फ एड्रेस एनवल्व कॉपी वन आईड प्रूफ जो आधार भोटर पैन कार्ड जो गोटे आईड प्रूफ आपको सेंड करने पड़ेगा। फ्रेंड्स देखो जॉब पाइबा हूँ बहुत इजी आप फ्री रे टेस्ट देखिए रिलेवल थ्रू जॉब मध्य पाई पारे निशा सार्थक और शुभम मध्य जॉब पाई पचरें बहुत बड़ा स्टोरी रही। देखो निशा जे रही से बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट आप जॉब मध्य पाई 10 वर्ष आप गैप पर से रिलेवल को आसते रिलेवल को आसला बिजनेस डेवलपमेंट बर्तमान से जॉब मध्य पाई देन आप सार्थक सार्थक जोशी जी कि आप कमर्स करते कमर्स कंप्लीट करने आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बर्तमान अच्छा ब्लू स्टैक देन आप शुभम सागर जी बर्तमान प्रोडक्ट मैनेजर अच्छा यूपीएससी प्रिपेरेशन करते कि ड्रॉप कर बर्तमान से प्रोडक्ट मैनेजर पाई रिलेवल थ्रू बहुत भल अपॉर्चुनिटी आप मिलू गोटे टेस्ट देते बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रही। फ्रेंड्स देखते स्विगी ओला उबर और 200 प्लस भल भल कंपनी इंडिया जॉब पा पारे और रिलेवल प्रति मासरे आपनोटी जो मैंने मेन प्रॉपर कैंडिडेट रोचन से आपर मैकबुक आईफोन और आपल वॉच प्रोवाइड कर देखो रिलेवल बर्तमान 30 कोटी प्लस आप जॉब डिलीवरी कर सारे और लास्ट मंथ में आप 36 लाख जॉब पाई देखो जो कैंडिडेट मैंने सब जॉब पाई सब रोचे से किसी दिन पूर्व आप रिलेवल आप बहुत भल अपॉर्चुनिटी आप देखते आप प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्राफिक डिजाइन फाइनेंस मेकानिकल इंजीनियरिंग सब आप फिल्ड में 18 प्रकार आप कैटेगरी फिल्ड में आप जॉब मध्य पाइपर टेस्ट देखिए देखते रिलेवल गोटे भल प्रॉफिट लाइफ कौन आपर कौन डिग्री आवश्यक पड़ोनी कि कौन से एक्सपीरियंस आवश्यक पड़े ना केवल आप स्किल देखिए आप जॉब मध्य पाइपर और टेस्ट जब आप क्वालिफाई करते आप जॉब टी पाइपर और लिंक टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते यहाँ आप्लिकेसन फर्म टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप्लिकेसन फर्म टी
ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନେଟ୍ ଜୋନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ, ତାପରେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଚିପକେଇବେ। ପାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ପିତା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ, ତାରିଖ, ମାସ ସବୁ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମାସ, ବର୍ଷ ସବୁ ଲେଖିବେ। ବୟସ ସୀମା ଲେଖିବେ। ପାର୍ଥୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅବିକଳାଙ୍ଗ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଠିକଣା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ମାର୍କ ଅଛି ମାଟ୍ରିକ୍ରେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଓ ଲେବୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଲେଖିବେ, ସବୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭରିବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିକି ସେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଜଗତସିଂହପୁର। ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ରହୁଛି ସାନରା ଏବଂ ଭାୟା ରହୁଛି ନଳିବାର। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା, ଜଗତସିଂହପୁର ରହୁଛି ଏବଂ ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଆପଣ ରହୁଛି 754104। ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 21 May 2022। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର 21 June 2022 ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସର ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ବା GRS ପଦ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ।